हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली रोजगार की एक और नई वीडियो पर, जहां पर एक बार फिर से आप सभी के लिए मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से जुड़ी बड़ी खबर प्राप्त होने वाली है। जैसा कि आप यहां पर देख सकती हैं कि आज से मिलेंगे बहनों को उपहार, तो आप सभी के लिए वह कौन से बड़े उपहार प्राप्त होने वाले हैं। इसके अलावा 2 लाख बहनों के नाम क्यों कट रहे हैं, क्यों उनको पैसा मिलना बंद होने वाला है, तो आज की इस बड़ी खबर को आप सभी इस वीडियो के माध्यम से बनी रहकर देखने वाली हैं। अगर आप भी इंतज़ार कर रही हैं कि आपका भी पक्का घर बनेगा, तो आपके लिए बहुत जल्द किस्त का पैसा प्राप्त होने वाला है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना आवास योजना चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी महिलाओं को उनका पक्का घर दिलाना है। यदि आपने भी इसी उद्देश्य के तहत लाडली बहना आवास योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आपके लिए किस्त का पैसा मिलेगा। लेकिन कब और कितना पैसा आपके लिए मिलने वाला है, इसकी तारीख निर्धारित नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा बहुत जल्द किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा और आपके लिए जानकारी दी जाएगी कि कितना पैसा आपको इस योजना के माध्यम से मिलेगा और कब मिलेगा। तो आप सभी इंतज़ार करें, बहुत जल्द आपके लिए आवास किस्त प्राप्त होने वाली है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए दूसरे उपहार की बात करें, तो मध्य प्रदेश में महिलाओं को तीसरे चरण का इंतज़ार है। पहला और दूसरा चरण हुआ, जिसमें महिलाओं द्वारा आवेदन किए गए, लेकिन बहुत सारी महिलाएं इस योजना से वंचित रह चुकी हैं। यदि आप भी इस योजना से वंचित हैं, तो आपके लिए बहुत जल्द इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का अवसर प्राप्त होने वाला है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी द्वारा अब तक 3.0 रजिस्ट्रेशन शुरू करने को लेकर आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन आपका यह इंतज़ार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपके लिए किस्त का पैसा मिलेगा और आप भी रजिस्ट्रेशन सुविधा का लाभ लेकर हर महीने किस्त का पैसा प्राप्त कर पाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे उपहार की बात करने वाले हैं, जिसमें आप सभी लाडली बहनों के लिए किस्त का पैसा बढ़कर प्राप्त होने वाला है। यह खबर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप भी 9वीं किस्त में 1250 रुपये की राशि प्राप्त कर चुकी हैं, तो आपके लिए अब 10वीं किस्त का इंतजार रहेगा। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए लगातार किस्तों में पैसा दिया जा रहा है और लगातार यह पैसा बढ़ भी रहा है। तो आपको भी यदि इंतज़ार है कि 10वीं किस्त में आपके लिए 1500 रुपये की राशि प्राप्त होने वाली है, तो अब तक इसके लिए कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। तो आप सभी महिलाओं के लिए अभी भी 10वीं किस्त में 1250 रुपये की राशि ही मिलने वाली है, यह राशि अभी नहीं बढ़ने वाली है। इसके लिए बहुत जल्द मोहन यादव जी द्वारा आदेश जारी किया जाएगा और आपके लिए यहां पर अपडेट प्रदान की जाएगी। सबसे अंतिम अपडेट की बात की जाए, तो आप सभी देख सकती हैं कि 2 लाख लाडली बहनाओं के नाम कट चुके हैं। आपको पता होगा कि 1.31 करोड़ महिलाओं को योजना के तहत रजिस्टर्ड किया गया था, लेकिन अब 1.29 करोड़ महिलाएं ही इस योजना के तहत पंजीकृत हैं। मतलब 2 लाख महिलाओं के नाम कट चुके हैं, अब उनको पैसा नहीं मिल रहा है। अगर आप भी इस योजना से लगातार लाभ लेना चाहती हैं, तो आपके लिए पात्रता की स्थिति जांचनी होगी, क्योंकि केवल पात्र महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, बाकी महिलाएं इस योजना से छटनी के माध्यम से हटा दी जाएंगी। इस योजना के तहत लाभ परित्याग भी लगातार चल रहा है, जिसके माध्यम से महिलाओं को हटाया जा रहा है। यदि आप भी इस योजना से अपात्रता के आधार पर पंजीकृत हैं, तो आपके लिए भी बहुत जल्द इस योजना के तहत लाभ परित्याग करना होगा, वरना आपके लिए केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से हटा दिया जाएगा और आपको भी इस योजना से लाभ नहीं मिलेगा। तो आप सभी यदि लगातार पैसा प्राप्त करना चाहती हैं, तो योजना से जुड़ी अपडेट देखती रहें। बहुत जल्द आपके लिए भी नया निर्णय आएगा और आपके लिए भी इस योजना से क्या मिलने वाला है और क्या नहीं, इसकी जानकारी मिलेगी। तो आपके लिए लगातार इस चैनल पर ऐसी ही अपडेट ला रहे हैं, जो कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए देखती रहें। धन्यवाद।